दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। और आ गई हूँ आप लोग के सामने दो लाइन लेकर के कि कंजूस का गड़ा धन तभी बाहर निकलता है जब वो स्वयं जमीन में गड़ जाता है। तो आप सब समझ ही गए होंगे इस विषय को, और अपने धन का सदुपयोग जरूर कीजिए वर्तमान की खुशियों के लिए भी, और उसको गाड़ के मत रखिए। तो बस जहाँ भी करना है, किसी को सहायता करना है या खुद पर खर्च करना है तो करिए, पर एकदम से उसको ज़्यादा भी बचा के मत रखिए कि आपको काम ना आ सके कभी। तो आइए आज का दिन का शुरुआत करते हैं, मिलते हैं आगे। सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड में तैयारी और सेकेंड राउंड नहा धो के फिर आके कुछ बनाना। तो आ गई हूँ किचन में और लाइट नहीं जल रही है। तो थोड़ी रोशनी को बढ़ाइए, पूजा अर्चना चल रहा है। इधर मैं काम करती हूँ थोड़ा, देखूं क्या क्या करूँगी। आज तो ऑमलेट बनाने वाली हूँ। ऑमलेट इस पर गिरेगा, दूसरे में रख दो। कटोरा में काट दिए, दूसरा को कटोरी ले लो, कटोरी ले लो। हाँ ले लो। भाई सबको अंडा तोड़ते हुए इतना आसानी से देखते हैं कि पूछो मत। आदत रहता है तोड़ते तोड़ते सबका। अरे एकदम पट से मारते हैं, तुरंत तोड़ देते हैं और कहीं गिरता भी नहीं। एक हाथ से तोड़ लेते हैं सब, जैसे ऐसे मारे ना एक ही हाथ से, बहुत से को सबों को देखते निकालते हैं। जितना खाए दोनों सीसी में काजू, एक को सड़ा नहीं था, सारा बादाम तो रहा बाकी। सड़ा नहीं उतना बादाम है, लेकिन ये जो है, बात रहता है। हाँ बहुत ज्यादा सूखा हुआ है। हाँ वो बादाम जो लाए थे तुम, वो बादाम एक बार में ऐसे छूते थे छिल जाता था एकदम आराम से। उसका पहले रवि भी है। हाँ बहुत अच्छा था वो बादाम पहले वाला, दूसरा वाला तो महारत दिया आ गया था, कैसे वो खपत की उसका। छुट्टी है अभी स्कूल की, आ जाती है। ये लोग तो टाइट तक हो गया छुट्टी ना। ठंडा कितनी पड़ रही है। जिसका जिसका वो है ना, ये पूरा घेरा हुआ, ये चौड़ा है, ये बहुत बड़ा बनी गया है। नमस्ते दोस्तों, सभी छोटों को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। तो ये मेरा नाश्ता आप लोग के सामने हाजिर है, रोटी और ऑमलेट बस, और यही मूंगफली, कच्ची मूंगफली फुला करके रात भर फूली है पानी में,
कच्ची मूंगफली और थोड़ा सा एक टुकड़ा चीज़ का। तो बस ये है आज का हमारा प्यारा प्यारा नाश्ता, मस्त नाश्ता। और ये है हमारी गर्मा गर्म चाय। ये देखिए, गुड मॉर्निंग जी, खाना शुरू, स्टार्ट। गर्मा गर्म, गर्मा गर्म खा रहे हैं। तो चलिए हम भी खाते हुए मिलते हैं। आप लोग को भी खिला दें ब्रेड ऑमलेट, अरे ब्रेड ऑमलेट नहीं है, रोटी ऑमलेट। रोटी और ऑमलेट आप लोग भी खाइए, स्वाद चखिए। जो लोग खाते हैं अंडा उनके लिए है, जो नहीं खाते उनके लिए सॉरी। तो हम खाएं। नहीं, मिर्चा तीता था, हमें तो तीता ही नहीं लग रहा। है काम चलाऊ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नाश्ता आप लोग के सामने प्रस्तुत कर दी, नाश्ता आप लोग खा भी लिए, तो स्वाद जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। तो बस आ जाइए, लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। बेल आइकन पर क्लिक करने पर उस पर एक ऑल का ऑप्शन आता है, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें तो मेरा सारा वीडियोस आप लोग के पास पहुंचेगा। और पूरा देखिए, फुल देखिए, आधा नहीं देखिए तो ये रिक्वेस्ट है मेरी, हर बार, हर बार रहेगी। हर किसी से कहेंगे तो कि मेरी वीडियोस पूरी देखिएगा। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा लगे कुछ भी तो कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज के लिए और अभी के लिए बाय बाय, लव यू। देखिए मेरा अंधेरे में, अच्छा इसको दबा के यह काम आएगा लाइट। पहले ही हल्दी मिर्चा डाल चुके हैं, भूल गए थे ऑन करना। ये है धनिया भुका हल्का सा, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, जल जाएगा। ये बड़ा काम आ रहा है भाई, लहसुन वाला नहीं तो सारा पत्ता सूख जा रहा था। अभी देखो पीसना है, पहले ही पीसा हुआ है वही चल रहा है, अभी तो पीसना है। अभी जो लाए हो ना उसको पीस के रखना है, हिम्मत नहीं होगी कल। फट से डालो, फट से सुगंध भी आ जाती है। नमक स्वादानुसार चढ़ाना है, एक में भर के रख लो नहीं तो फिर ठंडा हाथ कुकर में वो हम कर लेंगे। ये जाएगा इसमें, ये है देसी स्टाइल का अंडा करी। स्पेशल अभी कुछ नहीं बना रहे हैं, स्पेशल बनाएंगे तो आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। इससे भी सादा बनता है। यूपी बिहार का स्टाइल है तो कलकत्ता का स्टाइल और दूसरे प्रदेशों का स्टाइल अलग अलग है सब। ये हो गया। पानी पड़ गया, पानी नहीं डालेंगे।
कम ही पानी में बनाएंगे, ज़्यादा पतला नहीं बनेंगे। इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे कि पानी में उबाल आ जाए। हो गया, होगा ही नहीं।